हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बता रहा हूँ कि मोबाइल में जो ऐड आते हैं उसको हम कैसे ब्लॉक करें। तो मोबाइल में जो है दो तरह का ऐड है। एक ऐड है कि हम जो गूगल में कोई भी सर्च करते हैं तो उसकी हम कोई भी साइट विजिट करते हैं तो उस पर जो ऐड लगे होते हैं उसको हम कैसे ब्लॉक करें। और एक होता है यूट्यूब या कोई भी ऐप है, जैसे IRCTC के जो ऐप है या कोई भी गेमिंग ऐप है या कोई भी हम ऐप में जो ऐड आते हैं फुल स्क्रीन होते हैं, जो एक बार बैनर ऐड आते हैं उसको हम कैसे ब्लॉक करें। तो जो हम गूगल का जो ऐड होता है, जो कोई हम साइट पे विजिट करते हैं वहाँ पर जो ऐड आता है, उसके लिए तो ये करना है कि हम गूगल में जाके लिखेंगे adblocker.com, एड ब्लॉकर लिखते हैं। तो इसमें जो ऊपर से आप देखिए ये तीसरे नंबर पर जो आ रहा है, यहाँ पर लिखते हैं एड ब्लॉकर के वाले लिखती है। एड ब्लॉकर में आ गया दूसरा नंबर, एड ब्लॉकर ब्राउज़र फॉर एंड्रॉयड, ये वाला मैंने इंस्टॉल किया है। तो ये इंस्टॉल आ गया मेरे में ये। तो अब इसमें क्या करना है कि हमें क्रोम में कोई भी सर्च नहीं करना है, हमें इसके अपने ब्राउज़र में सर्च करना है। तो इसमें मान लीजिए हमने याहू खोल लिया, तो याहू का हमने कोई आर्टिकल मान लीजिए हमने इस पर क्लिक कर दिया। तो इसके अंदर जो ऐड आते हैं, जैसे ये बॉक्स बना हुआ है इस पे ऐड आने वाला है लेकिन आएगा नहीं क्योंकि हमने इसके ऐड ब्लॉकर में खोला है। देखिए अगर हम वही नॉर्मल उसमें खोलते तो उसमें ऐड आता इस तरीके से। और भी कोई साइट हम विजिट करेंगे उस पे जो ऐड आएगा ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा जो है ऐप के अंदर, तो ऐप के अंदर जो ऐड आते हैं उसको ब्लॉक करने के लिए आप यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में जाइए, इस पर लिखिए ऐड ब्लॉकर। तो इसमें बहुत सारे ऐड ब्लॉकर आपको मिल जाएंगे, जो आपको इसमें से देख लीजिए किसका रेटिंग अच्छा, उसको आप डाउनलोड कीजिए इंस्टॉल कर दीजिए, जैसे मैंने किया है ये वाला। तो इसको करना क्या है कि आप कोई भी ऐप खोलते हैं उस ऐप को खोलने से पहले पहले इसको आप ओपन कर लीजिए। इसको यहाँ से जैसे ये पहले क्या होता है एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव रहेगा, फिर इस पर क्लिक करना है फिर एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम कोई भी ऐप खोलेंगे तो उस ऐप के अंदर जो ऐड होते हैं वो नहीं आएंगे, उससे हमारा टाइम बचेगा, डाटा बचेगा। कई बार रीडिंग भी होता है, हम ऐप को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो पहले इस को एक्टिव होने के लिए थोड़ा वेट लगता है, इसको एक्टिव होने दीजिए। जितने भी ऐड इसको मिलेगा वो पकड़ लेगा, जिसे अभी लोड हो रहा है ऐप। जैसे बहुत सारी साइट है जिस पर ऐड आते हैं, मतलब अब अभी इसको चेक कर लें। जैसे ये रेलवे की साइट है, इसमें यहाँ पे बैनर ऐड, यहाँ पे बहुत सारे ऐड आने लगे हैं, पहले ऐड इसमें नहीं होते थे। इस तरीके से मान लीजिए ये स्केच वर्क की साइट है, इसमें बहुत सारे ऐड आते हैं। ये ऐप बनाने के लिए साइट है, इस तरीके से जैसे मैंने देख सकते हैं ये स्केच वर्क के, इसमें भी ऐड आते हैं। जैसे हम बंद करेंगे तो बैक के स्क्रीन पे यहाँ पे ऐड लगा हुआ है। तो ये ऐप जो है देखिए, जैसे अब एक्टिव हो गया, तो अब इस एक्टिव हो गया तो हम कोई भी साइट खोलेंगे, सॉरी कोई भी ऐप खोलेंगे तो उस ऐप में ना ऐड नहीं आएगा। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग।